सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ एन एसे ऑन दिवाली। ओके, तो दिवाली के बारे में आपको एक ऐसे निबंध लिखना है, तो मैं आपको ऐसे लिखवा रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा अपनी ग्रामर की कॉपी में, इंग्लिश सेकंड की कॉपी में। ओके, दिवाली इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। आपको पता ही है दिवाली को लाइट्स का त्यौहार कहा जाता है, रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। दिवाली इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। दिवाली सबसे ज़्यादा मशहूर या सबसे ज़्यादा मतलब इंडिया में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, त्यौहार माना जाता है इंडिया में इसको। दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ लॉर्ड रामा हु रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर ऑफ एग्जाइल। ये त्यौहार भगवान श्री राम की याद में मनाया जाता है, जो 14 साल के बाद अयोध्या लौटे थे वनवास काट के। ऑन दिस ओकेजन हिंदू लाइट्स कैंडल एंड डेकोरेट देयर हाउसेज विद रंगोली। इस दिन जो हिंदू लोग हैं वो अपने घरों में लाइट्स मतलब वो आप देखते हैं ना, घरों में लाइटनिंग करते हैं, लड़ियाँ लगाते हैं, लाइटनिंग करते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, उसके अलावा घरों में रंगोली बनाते हैं। आप लोगों ने दिवाली में देखा ही होता है, दिवाली का जो मतलब जो पूरा प्रोसीजर है वो दिवाली के ऐसे में आपको लिखना है। आप चाहो तो इसमें अपना भी कुछ योगदान डाल के लिख सकते हो, अगर आपको ये थोड़ा बहुत हार्ड लैंग्वेज लगती है तो थोड़ी इजी सी आप बना के भी लिख सकते हो। तो इसमें कहा गया है कि इस पर्व पर हिंदू लोग लाइट्स जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, अपने घरों को डेकोरेट करते हैं रंगोली से। चिल्ड्रन आर फाउंड वेरी हैप्पी ऑन दिस फेस्टिवल बर्निंग फायर क्रैकर। जो बच्चे हैं वो बहुत ही खुश होते हैं इस दिन, क्योंकि वो पटाखे जलाते हैं। पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा ऑन दिस डे। आप लोगों ने घर पे देखा ही होगा कि जो दिवाली के दिन होता है आप लोगों के घरों में लक्ष्मी की पूजा होती है, कई लोग लक्ष्मी और गणेश दोनों की पूजा करते हैं। इसमें कहते हैं भाई ये जो त्यौहार होता है घरों की, आप देखते हो कि लोग साफ़ सफाइयाँ करते हैं, वाइट वॉश करते हैं अपने घरों को, पूरा घर धोते हैं, साफ़ करते हैं। कहते हैं ये जो त्यौहार होता है ना, इस दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो घर में लक्ष्मी आती है। तो जो ये त्यौहार है इसमें इस दिन लोग भगवान लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। पीपल इंजॉय दिस फेस्टिवल विद ग्रेट एंथ्यूसियाज्म। जो लोग हैं बहुत जोश के साथ, भरपूर जोश के साथ इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड एंजॉयबल फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा और सबसे प्यारा त्यौहार है। इस दिन एक्चुअली पता है होता क्या है, जब दिवाली स्टार्ट होती है तो दिवाली के स्टार्ट होने से काफ़ी दिन पहले ही लोग घरों की सफाइयाँ करना शुरू कर देते हैं। घरों की सफाइयाँ करने के साथ घर को वाइट वॉश करते हैं, एक एक घर की चीज़ को साफ़ करते हैं। इस बहाने से घर की सफाई भी हो जाती है और कहते हैं भाई घर साफ़ रखने से लक्ष्मी जी आते हैं। तो अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहें, बीच में आप अगर इसमें कुछ और भी लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने दिवाली का फेस्टिवल मेरे अकॉर्डिंग जितना है मैंने उतना आपको बता दिया। अगर इसमें आप इससे बड़ा अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कंटेंट अगर आप डालना चाहते हैं। अदरवाइज़ अगर शॉर्ट में आप करना चाहते हैं तो शॉर्ट में आप इतनी सी दिवाली का ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए बनाना भी आसान है, बिल्कुल इजी है। तो मैंने आपको बता दिया दिवाली को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान राम 14 साल का वनवास काट के मतलब अयोध्या लौटे थे, तो उनके आने की खुशी में लोगों ने दिए जलाए थे। इस दिन लोग घरों की साफ़ सफाई करते हैं, घरों को घरों में लाइटनिंग करते हैं, मोमबत्तियाँ और दिए जलाते हैं, उसके अलावा रंगोली से अपना घर सजाते हैं, भगवान लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार आप इसको जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया, आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी बना के अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही आप लिखें, अगर आपको मेरे वाला इजी लगता है तो आप वो कर दीजिए। आप इसको पॉइंट्स में बना के लिखना चाहते हैं तो उसको पॉइंट्स में भी आप बना के लिख सकते हैं। सो प्लीज़ इसको आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में आप कर लीजिएगा। ये छोटा सा ऐसे है, कल मैं आपको किसी और टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखवाऊंगी। ओके, थैंक्स, डेट्स ऑल फॉर टुडे।